Hello friends, welcome to my YouTube channel, Trendonomics by Harsh Dixit. So, market finally breached above the resistance zone of 18,350, range break kar diya. So, kaha jayega market? Kya bulls aa rahe hai? Kya market upar jayega? So, I'm going to talk about Nifty, Bank Nifty. I'm going to discuss global markets. It's going to be very interesting video and very informative. एंड तक देख लो, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. इफ यू आर न्यू और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, शेयर मैक्स लाइक मैक्स एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल एंड मोटिवेट मी टू मेक वीडियोस डेली. यस, फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स. लाइव मार्केट में ट्रेड्स देता हूँ, मेरे सारे ट्रेड्स आप देख सकते हो इन्वेस्ट विद ट्राइब पे. फ्री में इलियट वेव सीखना है, हम इलियट वेव बुक दे रहे हैं और कोर्स भी है छोटा सा, इलियट वेव पे फ्री है. सो यू कैन डेफिनेटली लर्न फॉर फ्री. अगर आपको सीखना है कैसे ट्रेडिंग करना है इलियट वेव प्राइस एक्शन बेस पे, सो वी हैव कोर्सेज ऑन इलियट वेव, वी हैव कोर्सेज ऑन प्राइस एक्शन, दोनों सीखना है. डबल डिस्काउंट दे रहे हैं 1199 में दोनों कोर्सेज पे. सो ग्रैब दिस ऑफर अंटिल इट्स देयर. लेट्स डिस्कस पे क्या लग रहा है मार्केट. So finally we are above last week range. Last week में 18,220 और 18,350 के बीच में रेंज बाउंड था मार्केट और अभी फाइनली 18,350 के ऊपर गया. आज 18,400 के भी ऊपर गया था बट क्लोजिंग इज स्लाइटली बिलो इट. यस, सो क्या लग रहा है मार्केट, कहाँ जाएगा मार्केट यहाँ से. सो फॉर अस इट इज डेफिनेटली अ ब्रेकआउट और हमने लास्ट वीक ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आएगा डिस्पाइट कर्नाटका रिजल्ट्स. मार्केट कंटिन्यूड टू बी बुलिश टुडे, यस एज एक्सपेक्टेड, यस. और हमने क्लोज दिया है 18,400 के ऊपर का. बहुत सारे लोग बोल रहे ओवरबॉट मार्केट है, नीचे जाना चाहिए, बट मार्केट देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ करेक्शन. एक प्राइस वाइज डीप आता है. यस, लास्ट टू लास्ट वीक से पहले हमें भी लग रहा था थोड़ा बहुत प्राइस ब्राइक डिप आना चाहिए बट मार्केट डिड अ टाइम करेक्शन, टाइम वाइज डिप किया. चार पांच दिन मार्केट सेम रेंज में रह गया. यस, लेट्स गो ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम तो उसमें अच्छा समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ. तो लास्ट वीक में ये देखो, ये रेंज में फंसा था मार्केट. यस, 18,220 18,350 के रेंज में फंसा था मार्केट और ये रेंज में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो गया और उसका ब्रेकआउट आ गया. फाइनली वी आर अबव 18,350, ये जो रेंज का हायर रेट था. यस, इग्नोरिंग द फ्री हाई, तो हम फाइनली रेंज के ऊपर है. सो दैट इज क्लियर अ बुलिश फॉर्मेशन. यस, मार्केट ने रेंज के ऊपर क्लोज दिया है ब्रेकआउट डे के, दैट इज अ बुलिश फॉर्मेशन. आज लास्ट में थोड़ी बहुत सेलिंग आई थी, शायद कोई अलगो चल गया होगा बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज स्टिल बाय द डिप मार्केट. अभी भी सेलिंग का कोई सिग्नल आया नहीं है एंड लेटेस्ट जो लो बना रिसेंट 18,200 के आसपास, वहां से अगर मैं काउंट कर रहा हूँ सो आई कैन सी दिस इज 1, 2 प्रोबेबली 3 एंड 4 या फिर एक्सटेंड हो रहा है थर्ड वेव. सो वी स्टिल हैव some more points, some or rather lot more points up higher. So yes, we carried a long today. Thoda chot position, little position carry kiya hai kyunki moving average ke niche closing hai. Yes, moving average ke niche closing hai. Aur ideally agar 18,400 plus closing rahi thi 18,410 ke upar, to hum log puri position long carry karte but आज नहीं की है, थोड़ी सी की है, एकदम माइनर लॉन्ग की है. बट 18,410 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम कल वापस लॉन्ग करेंगे. वी आर एक्सपेक्टिंग 18,500 प्लस 560 प्लस कल ही आ जाए शायद. एंड ओवरऑल मार्केट बुलिश है, बाय ऑन डिप है. सेल बिल्कुल मत करना, लोग स्केप्टिकल है, स्केप्टिकल रह के शॉर्ट शॉर्ट कर करके और फ्यूल ऐड कर रहे रैली में, क्योंकि आप शॉर्ट करोगे मार्केट नीचे नहीं आएगा, बाद में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, शॉर्ट स्क्वीज आती है. यस, सो शॉर्ट एंड स्केप्टिकल पीपल ऑलवेज ऐड फ्यूल टू द रैली. यस, और अभी भी लोग
लोग अभी भी स्केप्टिकल ही है, लोगों को अभी भी इतना बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बुल मार्केट पे. यस, सो फॉर मी इट्स स्टिल बाय द डिप मार्केट. यस, और मार्केट में और शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए आइडियली. सो लेट्स सी कल क्या होता है. 18410, 18410, 410 के ऊपर, 420 के ऊपर हम लॉन्ग्स वापस ऐड करने वाले हैं कल. अभी छोटा पोजीशन बनाया है एंड ऊपर में मुझे कोई रेजिस्टेंस आइडियली दिखता नहीं. 18700 के आसपास, 18680 के आसपास है, उसके बाद सीधा ऑल टाइम हाई. सो देर इज नो रेजिस्टेंस. बैंक निफ्टी में तो मजेदार फॉर्मेशन है, ऑल टाइम हाई के आसपास बैंक निफ्टी आया है आज. बस ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस लिया एंड इट इज क्लोजिंग नियर टू दैट. तो कल अगर बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेक आता है, देन इट इज गोइंग टू गिव अ ब्यूटिफुल शॉर्ट कवरिंग. यस, बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आ सकती है. और कल मोस्टली हम देखेंगे शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आते हुए, बिकॉज आई फील बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स फंस गए हैं, बेयर्स फंस गए हैं. आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट ड्रॉपिंग. यस, हाँ, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट चार्ट पे जो दिख रहा है वही हम बोलेंगे, कुछ अलग बोलेंगे नहीं. तो चार्ट पे तो दिख रहा है कि शॉर्ट्स फंसे हुए हैं और लोग और शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं. और देखो, बुल्स के पास बहुत स्ट्रेंथ है, बुल्स के पास बहुत स्ट्रेंथ है, इसलिए मार्केट ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ बैंक निफ्टी. यस, बैंक निफ्टी ज्यादा करेक्ट हुआ नहीं, ट्रायंगल करेक्शन हो गया और वहां से अभी ऊपर है. यस, एंड इट इज स्टिल गोइंग हायर. इट इज अनफोल्डिंग एज 1 2, अगेन 1 2 3 4. आज शायद हो गया, कल एक फिफ्थ वेव आएगा. एंड आइडियली आई एम एक्सपेक्टिंग मच लार्जर शॉर्ट कवरिंग इन बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी इज सुपर बुलिश स्ट्रक्चर चार्ट पे. यस, बैंक निफ्टी चार्ट पे सुपर बुलिश है. एक और सेक्टर है जो अभी बुलिश टर्न हो सकता है, मेटल. यस, वी डिस्कस मेटल लास्ट वीक ऑल्सो. तो मेटल में वेव टू करेक्शन हो गया है. दिस इज 1 2 3 4 5 वेव रैली, उसके बाद एबीसी करेक्शन वेव टू हो गया एंड वी शुड बी रेडी फॉर द रैली. यस, थर्ड वेव की रैली आनी चाहिए. वी विल गो टू डॉलर लेटर. यस, ओके, लेट्स सी द डॉलर इंडेक्स. तो हमने जैसे लास्ट वीक ही डिस्कशन हो गया था कि दिस इज जस्ट अ पुल बैक रैली. सो फॉर मी इट्स अ फुल बैक. यस, दिस इज क्लियरली 5 वेव डाउन मूव यहाँ पे. देन दिस इज वेव टू और 3 4 5 नीचे और जाना है. यस, सो मार्केट इज गोइंग टू गो डीप डाउन. सो थर्ड वेव अभी स्टार्ट होना है, प्रोबेबली इट इज स्टार्टिंग थर्ड वेव डाउन मूव ऑन डॉलर एंड इट शुड ब्रेक ऑल द लेवल्स, ऑल द डाउन साइड लेवल्स. आई एम ह्यूज बेरिश ऑन डॉलर, आई एम हाईली बेरिश ऑन डॉलर. तो ये सेकेंड वेव पुल बैक अभी हो गया, इट ऑलमोस्ट रिट्रेस टूवर्ड्स द फोर्थ वेव. ओके, यहाँ पे देखो क्लियरली फोर्थ वेव के आसपास पुल बैक आया है. ओके, सी दिस इज 1, दिस इज 2, देन 3, देन 4 एंड 5. 5 वेव डाउन के बाद क्लियरली सेकेंड वेव पुल बैक आई फोर्थ वेव के आसपास एंड इट हैज कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. यस, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम किया है. अगर हम वीकली चार्ट लगा के देखेंगे तो आई थिंक ऑलमोस्ट इक्वल टाइम कंज्यूम किया होगा, एंड इफ नॉट मोर. सो लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 वीक एंड देन 1 2 3 4 5 6th वीक वी आर देयर. सो अराउंड मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम कंज्यूम किया है मार्केट ने वेव टू में. यस, एंड नाउ इट शुड गो डाउन इन वेव 3. आई थिंक विथ टूडेज हाई, दिस हाई फ्रॉम टूडे, डॉलर का अप ट्रेंड खत्म हो रहा है, पुल बैक रैली खत्म हो रहा है और एक डाउन ट्रेंड आएगा डॉलर में एंड दैट इज वेरी बुलिश. दैट इज वेरी वेरी बुलिश फॉर और इंडियन मार्केट. लेट्स सी यूएसडी आईएनआर में क्या चल रहा है. और बुलिश मेटल्स के लिए भी है. सो देखो यहाँ पे भी 5 वेव डाउन मूव के बाद वेव टू करेक्शन आ गया. यस, दिस इज अ 5 वेव डाउन मूव एंड आफ्टर दैट वी गॉट अ वेव टू करेक्शन हियर एंड वी शुड बी सीइंग डाउनफॉल नाउ. यस, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, मेटल इज वन सेक्टर विच शुड रिवाइव नाउ. अभी तेजी आएगी. ऑटो ऑटो कंटिन्यूज टू बी लीडिंग सेक्टर.
यस, आईटी में थोड़ा बहुत अभी आ सकता है. यस, वी ऑलरेडी डिस्कस लास्ट वीक के अपडेट में ही किया कि आईटी में अभी शायद रैली आएगी. अनदर सेक्टर विच आई एम लुकिंग फॉर रैली इज ऑटो तो है ही, ऑटो ऑलरेडी है. लेट्स सी मिड कैप, मिड कैप क्या कर रहा है. तो मिड कैप में देखो, साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अभी वापस आज ग्रीन कैंडल आया है अभी. और मिड कैप अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर कल दे देता है क्लोज, देन इट विल बी अ फेनोमेनल, इट विल बी अ फेनोमेनल मूव. सो कीप आई ऑन मिड कैप्स, यस, बिकॉज इट इज नियर टू द एटीएच जोन. आई नो एटीएच नहीं है, बट इट इज नियर टू दैट जोन. यस, इट इज क्लोजर टू एटीएच जोन. लेट मी ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन. हॉरिजेंटल लाइन नहीं है, बट दिस इज क्लियरली क्लियरली क्लियरली. ये देखो, ये लाइन अगर ब्रेक होता है मिड कैप में, यस, कल अगर इसके ऊपर क्लोज आता है, इट विल अगेन गिव अस अ बिग 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 बुल मार्केट. सो फॉर अस बुल मार्केट ऑलरेडी आ चुका है. शायद जून में नहीं आया जहां पे हमने बॉटम बताया था 15,200 में पाया, लेकिन वहां से तो ऊपर ही आए. सो मे बी द ब्रॉडर बुल मार्केट स्टार्टेड इन मार्च 23. यस, आई डोंट डिसएग्री विद दैट, बट अभी तो बुल मार्केट आया है. अगर आप इसको भी नहीं मानते कि ये बुल मार्केट नहीं है, सो लेट्स लेट द मार्केट्स बी. तो ऑल टाइम हाई पे देखो, बुल मार्केट में हमेशा ब्रॉडर मार्केट में अच्छी मोमेंटम रहती है. बेयर मार्केट रैली अगर होती है तो ब्रॉडर मार्केट वीक होता है. तो आइडियली यहाँ पे मिड कैप पहले ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है. निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं आया है. यस, 18,600 के भी नीचे है, 18,900 के भी नीचे है निफ्टी. सो बट मिड कैप इज ऑलमोस्ट बैक टू ऑल टाइम हाई. सो डेफिनेटली ब्रॉडर मार्केट साइंस ऑफ रिकवरी दिखा रहा है, साइंस ऑफ तेजी है. यस, ब्रॉड मार्केट में तेजी है, तो कहाँ से मंदी लाएंगे. यस, लेट पीपल से दैट मंदी आएगी. मार्केट जो बोलेगा उसे ही आप ध्यान दो. कोई भी हो, कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, मैं भी अगर गलत जाता हूँ, डोंट लिसन टू मी, बट ऑलवेज लिसन टू द प्राइस एक्शन. हमेशा मार्केट की सुननी चाहिए. मैं भी गलत हो सकता हूँ, ऐसे कुछ नहीं, और कोई भी 25, 30, 40 साल एक्सपीरियंस वाला भी बंदा गलत हो सकता है मार्केट में. मार्केट हमेशा राइट, मार्केट इज ऑलवेज राइट. यस, सो लेट एनीवन से दैट बेयर मार्केट आएगा, ये वो. आप ध्यान दो चार्ट पे, बुल मार्केट अगर दिखता है स्टॉक्स में, अगर दिख रहा है बुल मार्केट, अगर मिड कैप स्मॉल कैप में दिख रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, तो सुनो मत, किसी को सुनो मत, सिर्फ चार्ट को सुनो. सो चार्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बुल मार्केट है, किसी और को चिल्लाने दो बेयर मार्केट, बेयर मार्केट इग्नोर. ऑन ओनली लिसन टू चार्ट. तो मिड कैप्स क्लियरली बुल मार्केट बता रहा है. वन मोर सेक्टर विच आई हैव बीन बुलिश इज पीएसयू बैंक्स. यस, लेट्स फर्स्ट सी एफएमसीजी सेक्टर, बट पीएसयू बैंक बाद में देखते, पहले एफएमसीजी देख लेते. सो एफएमसीजी इज अगेन नियर टू द ऑल टाइम हाई. यस, जॉय गोइंग हायर, कंटिन्यू टू बी गोइंग हायर. सो कोलपाल का एक व्यू पूछा था, एक ट्विटर पे एक शख्स ने पूछा था व्यू. सो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं. यस, देखा जा दिख रहा है कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है 2 साल के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है. तो मैं नाम भूल गया, बट श्रीमान जी कोलपाल, कोलगेट बहुत अच्छा स्टॉक दिख रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है. यस, सो यू कैन बाय, यू कैन होल्ड. इट इज गोइंग टू रॉकेट, इट इज गोइंग टू लीड द मार्केट. मार्केट की रैली में ये वन ऑफ द स्टॉक्स रहेगा, ये जिसमें अच्छी तेजी रहेगी. यस, लेट सी नाउ अदर इंडाइसेस. पीएसयू बैंक, ओके. कैपिटल गुड इज वन सेक्टर विच आई एम हाईली बुलिश, बट पीएसयू बैंक में अभी बहुत ज्यादा लोगों को डर नगले लगा था वापस के, क्यों बैंक गिर रहे हैं, पीएसयू बैंक गिर रहे हैं. तो इट्स नेचुरल आफ्टर अ 5 वेव रैली, एक फॉल आना बहुत ही नेचुरल बात है. और देखो यहाँ पे क्लियरली वापस रिवर्सल आ रहा है, अप ट्रेंड बुलिश रिवर्सल आ रहा है.
जहां से ब्रेकआउट मिला था वहां रीटेस्ट हो गया और वापस अप ट्रेंड बुलिशनेस आ रहा है। तो पीएसयू बैंक स्टॉक पे ध्यान दो, हमने भी ली है स्टॉक्स। आईडीएफसी आइडियली स्मॉल बैंक है, नॉट पी आई डोंट नो इट्स नॉट अ पीएसयू और नॉट। तो आईडीएफसी में देखो, बैंकिंग स्मॉल बैंकिंग स्टॉक में मुझे बहुत एक फेवरेट स्टॉक है ये। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट पे लिया था, आप यहाँ पे भी ले सकते हो। यस इट इज स्टिल शोइंग साइंस ऑफ तेजी, अच्छी तेजी आएगी आईडीएफसी में, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। अनदर स्टॉक इज पीएनबी। सो स्मॉल बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में पीएनबी इज वन ऑफ द स्टॉक रिवर्सल कैंडिडेट। वापस यस यहाँ पे रिवर्सल दे रहा है। कैनरा बैंक एसबीआई तो ऑब्वियसली डेफिनेटली है, आई एम बुलिश ऑन दी स्टॉक, बट लेट्स गो ऑन अदर पीएसयू स्टॉक। सो महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आज हमने बाइंग की है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हमने बाइंग की है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ रैली यस गोइंग अहेड इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आएगी, बीओबी एंड बीओआई में भी आएगी, बैंक ऑफ इंडिया में भी रैली आते हुए दिख रही है। तो पीएसयू बैंक पे वापस ध्यान दो थोड़ा। यस पर्सनली मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिया है, महाराष्ट्र बैंक लिया है। यस सो ओवरऑल सेक्टर्स में पीएसयू बैंक्स, ऑटो, मेटल और कैपिटल गुड्स एंड द मिड कैप स्टॉक्स, उस पे ध्यान दो। अगर ये सेक्टर तेजी लाते हैं तो किसी को भी बोलने दो, किसी के माई बाप को भी बोलने दो, मंदी मंदी नहीं आएगी मंदी, सिंपल, किसी को भी बोलने दो। एनीवन कैन बी रॉन्ग इन मार्केट, यस इंक्लूडिंग मी। ओके लेट्स सी द अदर इंडाइसेस। तो UK 100 FTSE इंडेक्स, लास्ट वीक ही हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट अभी वापस रिवर्सल के मोड पे आया है। तो ये ऑलरेडी FTSE 100 में रिवर्सल मोड पे आया है, बुलिश रिवर्सल दे रहा है करेक्शन के बाद। यस डैक्स इंडेक्स जर्मनी अगेन इट इज ट्राइंग टू ब्रेक हायर। यस इसमें तो ज्यादा करेक्शन भी नहीं आया। लेट्स सी डाउ फ्यूचर, डाउ फ्यूचर क्या कर रहा है। सो डाउ फ्यूचर में भी बुलिश क्लोज आई है। यस आफ्टर अ करेक्शन मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ बुलिश क्लोज। सो ओवरऑल ग्लोबली मार्केट में भी तेजी के साइंस ही दिख रहे हैं मार्केट में। सो डरने की कोई बात नहीं है, कोई किसी को कुछ भी बोलने दो, जब तक प्राइस नीचे नहीं जाता मंदी नहीं आएगी। द बुल मार्केट इज कमिंग, मार्च में भी हमने कहा था। यस थोड़ा नीचे गया मार्केट, लोगों ने ट्रोल किया था, लेकिन वी स्टूड फॉर्म ऑल ऑफ यू। यस हमने डटे रहे व्यू पे और बोला कि यस नहीं, लॉन्ग टर्म व्यू तो हमारा तेजी का है, शॉर्ट टर्म में हम तो मंदी भी कर खेलते हैं, मुझे ज्यादा पसंद है मंदी, बट यस लॉन्ग टर्म व्यू इज स्टिल बुलिश। बाय द डिप मार्केट है और बाय द डिप मार्केट ही रहेगा लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। यस इट इज नॉट सेल ऑन रैली, सेल इन में नहीं है। अगर आप सेल इन में करते हो, गो अवे ही होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा शॉर्ट करके करके, आपने सारा पैसा डुबा दोगे शॉर्ट करके। डोंट शॉर्ट, डोंट सेल इन में। इफ यू सेल इन में यू विल डेफिनेटली गो अवे फॉर एवर फ्रॉम ट्रेडिंग। यस क्योंकि इतना शॉर्ट कर करके आप पैसा डुबोगे, शॉर्ट कर करके पैसा डुबोगे आप। यस सो बाय द डिप इट्स BTFD, या बाय द एफ डिप। सो लेट्स सी टुमारो, कल 410 के ऊपर हम वापस ऑप्शंस में बाय करेंगे। यस एंड मार्केट इज बाय ऑन डिप्स, नॉट अ सेल एनी मोर। यस थैंक यू। सो दिस इज दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सोशल मीडिया ग्रुप्स पे एंड लर्न फ्रॉम अस। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। यस कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। दिस इज हर्ष दीक्षित साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।